एक बाघ खतरनाक हो गया है। उसने एक युवक पर हमला कर उसकी जान ले ली है। वन विभाग ने जंगल में गश्त बढ़ाने के बाद लोगों से कहा इस बाघ से सावधान रहें। सीमांत खटीमा वन क्षेत्र की यूपी और नेपाल सीमा से लगी हुई सुरई रेंज एवं यूपी पीलीभीत की महोब रेंज के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बग्गा के रहने वाले युवक तारा सिंह को बाघ ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। युवक देर रात मझोला से बग्गा अपने घर जा रहा था। उस समय युवक तारा सिंह बाघ के हमले का शिकार बन गया। सुबह घटना की सूचना मिलने पर उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तारा सिंह के शव को जंगल से बरामद किया गया। चूंकि ये हादसा यूपी के महोब रेंज के वन क्षेत्र में हुआ है तो मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई महोबा रेंज के अधिकारियों के द्वारा की गई। वहीं खटीमा उप वन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी संचिता वर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के बाघ की सक्रियता को देखते हुए हमने वन क्षेत्र में लगे ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही वन कर्मियों के द्वारा भी क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है। ये हमारी जो सुरई रेंज है उसके क्षेत्र से लगा हुआ है, महोब रेंज की घटना है, पीलीभीत के जो सामुदायिक वानिकी वन प्रभाग है वहाँ की। तो सुबह सूचना मिली थी कि ताराचंद नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको टाइगर के द्वारा हमला करके मार दिया गया है। 30 साल उनकी आयु है और उनका शव भी अभी प्राप्त हो चुका है। महोब रेंज के अंतर्गत ये घटना हुई है, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारे रेंज के स्थानीय कर्मचारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि क्योंकि ग्रामीणों के आने का रास्ता है वो, तो किसी भी घटना कोई भी दुर्घटना होने से पहले हम सचेत रहेंगे और गांव वालों को भी बताएंगे कि यहाँ पर अभी बाघ के द्वारा ऐसी घटना यहाँ पर की गई है, इस प्रकार की घटनाओं की पुनः पुनरावृत्ति न हो। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी ओर से वन क्षेत्राधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया है, अन्य स्टाफ को भी, कि आप भी अपनी जो भी है सजगता वहाँ पर बनाए रखें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।